हेलो बच्चों, वेलकम बच्चों। ये है 10th क्लास की जो इतिहास की बुक है, सामाजिक अध्ययन की जो बुक है, सोशल साइंस जिसे अपन कहते हैं, उसका जो आपकी फर्स्ट बुक है उसकी भारत और समकालीन विश्व भाग दो, इसका पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, ये फर्स्ट चैप्टर है। कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल कराऊंगा बच्चों। शुरू करते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारे इस चैप्टर में सिलेबस क्या क्या है, चीज़ें हमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखो, इकाई फर्स्ट घटनाएं और प्रक्रियाएं करके जो आपका फर्स्ट जो इकाई है, यूनिट फर्स्ट जो है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें है पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हमें देखो पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, फिर हम पढ़ेंगे यहां पर क्रांतियों का युग 1830 से लेकर के 1848, उसके बाद हम देखेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण, और इसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना, और हम पढ़ेंगे अंत में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे इसमें। इंग्लिश में यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्र का अर्थ क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, अर्नेस्ट रैनर ने लिखा है कि समान भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र जो है वो लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो होती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी देश के प्रति उसके नागरिकों के मन में जो भाव होते हैं, देश प्रेम का जो भाव होता है, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि वह विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक सामूहिक पहचान को बढ़ावा देती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। एक सामूहिक भावना जागृत करती है, राष्ट्र के प्रति एक भक्ति भावना जागृत करती है, राष्ट्र के प्रति एक प्रेम भावना जो जागृत करती है, ऐसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर राष्ट्रवाद को अगर हम और समझना चाहें तो कई सारी चीज़ें होती है जिनसे हमारे मन में राष्ट्रवाद के प्रति जो भाव होते हैं वो प्रकट होते हैं। तो कैसे होते हैं कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना, इससे हमारे मन में एक राष्ट्र के प्रति जो भाव है ना उसका पता चलता है। जैसे जैसे किसी भी देश का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो उस राष्ट्र का प्रतीक होता है, उस राष्ट्र का एक राष्ट्रवाद का एक बहुत ही उदाहरण, अच्छा उदाहरण माना जाता है, है ना। राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, देशभक्ति जो गीत हैं, राष्ट्र के प्रति जो एक अच्छा जो भाव है, ये सारी चीज़ें मिलकर के राष्ट्रवाद का निर्माण करती हैं। अब हम शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो सेकंड चैप्टर रहेगा अपना, उसमें हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। बात करते हैं 19वीं सदी यानी 1801 से लेकर के 1899 का जो समय है वो 19वीं सदी कहलाता है, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देश वैसे नहीं थे जैसे कि आज हैं। आज आपने अगर यूरोपीय देशों का, अगर यूरोप का आप नक्शा देखोगे, वैसे विश्व का पूरा नक्शा ही बदल गया। पहले अलग टाइप से लोग रहते थे, अलग प्रकार के छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, राजतंत्र था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के राजाओं का वहाँ पर शासन था, लोग आपस में लड़ते रहते थे, इतनी सुख सुविधाएँ नहीं थी। लेकिन आज का यूरोप अगर हम देखें तो बहुत ही बदल चुका है। आज का यूरोप क्या, हम आज का पूरा वर्ल्ड भी अगर देखें, विश्व भी देखें, तो वो पूरी तरह से बदल गया है। विभिन्न क्षेत्रों पर शासन अलग अलग वंश के लोग राज करते थे, अलग अलग वंश के राजा जो है वहां पर राज करते थे। इन सभी क्षेत्रों पर राजवंश का शासन हुआ करता था। मतलब ये था कि 19वीं सदी में राजतंत्र था, लगभग सभी देशों में राजतंत्र था, उस समय लोकतंत्र की स्थापना भी नहीं हुई थी। ऐसे
कई ऐसे तकनीकी बदलाव हुए जिनके कारण समाज में परिवर्तन आया। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे परिवर्तन आते गए, कुछ ऐसे बदलाव होते गए और इस तरीके से हमें आज परिवर्तन देखने को मिलता है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। फिर ऐसा हुआ कि भाई ये राष्ट्र जो है ना, ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, किसी एक राजा का ही अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण जनता जो है, जो उस राष्ट्र में रहती है, वो समस्त उस राष्ट्र की जनता है और वो राष्ट्र उन समस्त जनता का है। तो ऐसे करके धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अब जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूरोप का जो राष्ट्रवाद हम पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में घटित हुई थी। इस ये जो है ना, विभिन्न घटनाक्रमों के तहत हम इसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नागरिक संहिता 1804, फिर हम देखेंगे वियना की संधि 1815, फिर हम देखेंगे उदारवादियों की क्रांति 1848, उसके बाद हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871, और फिर हम देखेंगे इटली का एकीकरण 1860 से 1871। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बच्चों मैं बता दूं कि जब ये कंप्लीट नोट्स पहले फर्स्ट चैप्टर के हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बहुत ही जल्दी, नेक्स्ट वीडियो लेकर के, आगे का इसका भाग लेकर के। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।